मोलो से, मतलब इसको कहते हैं कि मारा कम घसीटा ज्यादा, होए 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 238 टू वेन 207 37 अनरियल इनिंग्स फ्रॉम सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल बैक टू हिज बेस्ट, विराट कोहली अगेन शोइंग व्हाट ही इज ऑफ, और ये भाई साहब ये एक ओवर में दो दो छक्के और दो दो चौके मार देना। सूर्य कुमार यादव की बात करूंगा, हांगकांग के खिलाफ वो एक इनिंग्स खेल के जाता है, लोग उसको लगाते नहीं 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 हांगकांग उसके खिलाफ नहीं कर सकता ऐसे। भाई साहब ये रबाडा को एक ही ओवर में दो छक्के दो चौके, लेट के बैठ के खड़े होके टांग के पीछे से टांग के आगे से, ये कौन से शॉट्स हैं जो क्रिकेटिंग बुक्स में नहीं मिलते लेकिन सूर्य कुमार यादव की बैटिंग में मिलते हैं। दिस वॉज एन एब्सोल्यूट बेल्टर ऑफ एन इनिंग्स, एब्सोल्यूट क्रैकर बाय सूर्य कुमार यादव। केएल, रोहित, विराट, इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि फील गुड फैक्टर तो वर्ल्ड कप से पहले एक मैच पहले तो आपके करीब करीब आ गया, यही साउथ अफ्रीका 30 अक्टूबर को इसी महीने की ऑफ स्टेडियम पर्थ में मिलेगी, लेकिन उससे पहले की क्या रिहर्सल हुई कि इस पिच पे कहा जा रहा था कि बैट्समैन को जरा टाइम करने में मुश्किलात होंगी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने केएल राहुल और सबके बाद बोला कि आप साइड में हो जाएं, अब मेरा नंबर आ गया। और जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने सवेरा मारा है इसमें कोई शक नहीं है दैट इन द एंटायर सर्किट राइट नाउ ही इज द बेस्ट T20 बैटर। तीन आउट हैं ये लोगों ने, शायद फाइनल स्कोर भी हमें बता दिया है, लास्ट बॉल थी बाकी और विराट कोहली ने लेट चार्ज किया, पहले दो चौके मारे लेकिन फिर सूर्या कुमार ने मारना शुरू किया, बारी नहीं आने थी, विराट ने कहा चलो ठीक है तुम मारते रहो मैं खड़ा हूँ, और वो हमेशा कहता है कि सूर्या कि मैं जब जब विराट के साथ बैटिंग करता हूँ तो मामला कुछ और ही हो जाता है मेरा। देखिए भाई आज तवक्को ये थी गुवाहाटी के अंदर जो 2020 में मैच हुआ बारिश की नजर हो गया, थंडर शावर तो नहीं आएगा, थंडर थंडर बाउंड्री थ्रिलिंग बाउंड्री आपको सूर्या कुमार यादव की नजर आई। अब मैं उनके नहीं बता रहा कि उन्होंने कितने मारे, उन्होंने 5 छक्के मारे 5 चौके मारे, मगर आज टोटल अगर देखा जाए तो 25 चौके 13 छक्के, टांगे तोड़ दी साउथ अफ्रीका के बॉलर की ऐसी की तैसी, क्या रबाडा क्या पार्लन क्या नौटंकी क्या महाराज क्या मारना, मतलब ईद मनाली, मतलब अभी त्यौहार भी चल रहा है वहां पर गुवाहाटी के अंदर, ज्यादा मेरी इतला दे वहां पर कुछ त्यौहार भी चल रहे हैं तो उस त्यौहार के मजे भी दोबारा कर दिए। मेरे नायक कप्तान को क्यों इतनी दूर छक्का मार दिया इसने मलान ने, ये मलान तो आते हैं इसने पहले शॉट को तेरे को मना किया था, इतना तेज नहीं खेलता, नए बच्चे सारे पुराने बच्चे डाल लिए, टॉस भी जीत गया बाबर, टॉस तो एशिया कप में भी जीते थे, इसके ऊपर तो आएंगे अभी तो बनने। अच्छा ये हमारे पास तो हैंग हो गया, लोग लिख रहे 666 तो शायद 2-3 छक्के मारनी है डेविड मलान ने, नहीं 2 छक्के तो कार्तिक ने भी क्लोजिंग में दिए यार, मतलब ये सूर्या कुमार यादव क्या आदमी है, मैं तो आज राहुल की तारीफ करने बैठा था, और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि भाई राहुल इंडिया का प्रीमियर प्लेयर है, उसको उस तराजू में ना तोलो, आपको आज समझ आ गया होगा क्यों ना तोलो। रोहित शर्मा ने बड़े आराम से मजे से बल्लेबाजी की क्योंकि केएल राहुल ने बर्बाद करना शुरू कर दिया और पापा क्रिकेट ने खिलाया एक बार फिर उसको, और बाद में खुद भी चार्ज किया 225 के स्ट्राइक रेट से 49 रन, क्योंकि विराट कोहली अब जिस जगह पे खड़ा है उसके लिए 50 और 100 कोई मैटर नहीं करते भाई। वो जो लोग जोक नजर आ रहे थे स्टेडियम की तरफ चलते हुए, आज उनकी तो ईद करा दी विराट कोहली ने और सूर्या कुमार यादव ने, मगर इससे पहले कि हम नीचे की तरफ आए नीचे वाले रन बटोरे, ऊपर अगर आप आ जाए तो दोनों ने एक मरतबा फिर ये बताया केएल राहुल का पिछली इनिंग के ऊपर ये था 57/51 बड़ा स्लो खेल के गया, उन्होंने 226/28 के स्ट्राइक रेट पे ठोक ठाक के सही तरह बजा बुझू के आज अपने 50 भी किए और कम तरीन बॉल पे 28 बॉलों पे 57 रन मार के गए, तो भाई उन लोगों को शट अप कॉल दे दी जो अपने मुंह से लंबी जबान करके निकाल रहे थे केएल राहुल के ऊपर, क्या छक्के उनके 5 छक्के 5 चौके, उसने सूर्या से कम बल्लेबाजी नहीं करी है भाई। 96 लाइव मैंने बहुत मैचेस देखे हैं, लाइव भी कवर किए हैं, टीवी पे भी देखे हैं, ग्राउंड में भी बैठ के देखे हैं, लेकिन ऐसी डिस्ट्रक्शन जिस तरह आज राहुल ने स्टार्ट लिया, यकीन करे प्लीजिंग टू आइस, मतलब मजा आ रहा है, बॉलरों को जिस तरह धो रहा है, ऐसे धो रहा है जैसे बंदा सरफ से धोता ना निर्मा लगाता है। सुने 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 मेरी बात, सुन ले छोड़ो यार उसको, मेरी बात सुने आज, और वो उसने भी ट्वीट किया रॉबिन उथप्पा ने, उन्होंने कहा जनाब स्ट्राइक रेट का कोई मसला तो नहीं हो रहा। सुने 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 बड़ी मजेदार बात बताने लगा, पहले राहुल ने
शुक्र है यार पहले हिटमैन गया और राहुल गया और साथ ही सिलेबस में स्काई आ गया।